ताजमहल की खूबसूरती को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ताजमहल पर कई विवादास्पद बयानों की बौछार हुई। केंद्र और राज्य के बीजेपी सरकार आने के बाद प्रशासन का एक घड़ा इसे ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल्ले नाम से पुकारने लगा। यूपी सरकार ने सितंबर में ताजमहल को यूपी टूरिज्म बुकलेट से हटवा दिया था और वहीं बीजेपी लीडर विनय कटियार ने ताजमहल को तेजो महल्ले बताकर एक नए विवाद को जन्म दिया। लेकिन ये तेजो महल्ले का कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ से आया है? तेजो महल्ले को सबसे पहले 60 और 70 के दशक में मराठी मैगजीन्स में इस्तेमाल किया गया था। पीएमओ के नाम से एक विवादास्पद मराठी लेखक ने इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अपने एक आर्टिकल में ओएक ने ताजमहल को भगवान शिव की श्राइन यानी तेजो महल्ले बताया था। ओएक ने किताब में कहा था कि अगर ताजमहल की खुदाई की जाए तो इसमें से प्राचीन मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ओएक की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, चूंकि 1960 और 70 के दशक में हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं घूमते थे और परिस्थितियां आज के समय के हिसाब से बेहद ही भिन्न थी। शायद यही कारण था कि किसी भी ओएक की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन ओएक ने फिर भी लिखना जारी रखा। ओएक ने अपनी लेखनी में कई प्रोपेगेंडा और थ्योरीज को किताब की शक्ल दी। लेकिन ताजमहल अकेला ऐसा ऐतिहासिक स्मारक नहीं था जिस पर ओएक ने या ओक ने सवाल उठाए। उन्होंने सऊदी अरब में स्थित काबा को भी हिंदू मंदिर घोषित किया। इसके अलावा उन्होंने आगरा किले को भी एक हिंदू स्मारक बताया था। ओक का ये भी दावा था कि ईसाई धर्म दरअसल एक वैदिक धर्म है और उन्होंने दावा किया था कि इंसानी धर्म यानी क्रिश्चियनिटी का वास्तविक नाम कृष्ण नीति था। ओक का ये भी मानना था कि इस्लाम धर्म दरअसल इशालियम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है भगवान का घर। वो मानते हैं कि भारत और वेटिकन सिटी का सभी ऐतिहासिक इमारतों के पीछे जो अस्तित्व है वो हिंदू मान्यता के आधार पर रखा गया है। इस शख्स ने ये दावा भी किया कि वेटिकन का वास्तविक नाम वाटिका था और पोप का पद दरअसल एक वैदिक पुरोहित पद था। लेकिन 312 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने इस व्यवस्था को खत्म कर डाला। इस्लाम और ईसाई धर्म की कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं को हिंदू धर्म से जोड़ने वाले इस विवादास्पद लेख ने अब तक 900 किताबें इंग्लिश में, 13 किताबें मराठी में और 8 किताबें हिंदी में लिखी है। वहीं इतिहासकार रामनाथ का कहना था कि ओक कोई इतिहासकार तक नहीं थे और उनके दावों में भी कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन काफी बातें ऐसी हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं और अगर नामों के आधार पर किसी चीज को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दुविधा में डालने के लिए या असमंजस में डालने के लिए किसी भी इंसान को काफी हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन और नई वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें।